क्या खूब आंखें हैं तेरी, हर दिन में जिंदगानी है मेरी। अगले भैया, अरे जी लेंगे हम देख देख के इनको, क्या खूब आंखें हैं तेरी। कह रहा था कि तुमसे बढ़ के दुनिया में, तुमसे बढ़ के दुनिया में न देखा कोई और जुबा पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़ के दुनिया में न देखा कोई और जुबा पर आज दिल की हमारे हमारे साथ हमारे दादाजी बैठे हैं, श्री राज कमल दादाजी। इन्होंने अवधि में टुकड़ा लिखा था। क्या बात है, अवधि में टुकड़ा लिखा था और उस टुकड़े को हम लोगों ने सुना तो हम लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। जब उस टुकड़े को हम लोगों ने सुना तो हमारे अशोक भैया ने उस टुकड़े को सुन के चार पंक्तियां और अवधि में लिखी, और वो किस तरीके से लिखी सुनिएगा। जब जब सुदामा लौट के आए कन्हैया से मिलके, देखा जहां कुटिया थी मड़ैया थी वहां महल है, जहां खाने के लाले पड़े थे वहां बड़ी माणिक से भरा हुआ उनका घर है, जहां नौकरानियों के तरीके उनकी पत्नी रहा करती थी वहां महारानी बन के रह रही है। उन्होंने सोचा ये सब कैसे हो गया, और केवल उन्होंने ही नहीं सोचा, उनके आसपास के लोगों ने सोचा। अब चार औरतें बैठी, अब देखिए औरतों की आपस में बातचीत कैसे होती। चार औरतें बैठी और सोच रही है अरे अचानक कैसे हो गया। अच्छा आप लोग सोचो भैया, आप लोग सोचो जिसका घर तल तक कच्चा बना हो और अचानक एक दिन बाद टाइल्स लग जाए तो सबसे ज्यादा दर्द पड़ोसी को है कि नहीं, कैसे लाग गए। तो उसमें चार औरतें बैठ के बातचीत कर रही है, उसी में से एक औरत ने कहा, कहा क्या कि अब ना कर, कहा करती पर पंचू में हेरिया, अरे करती पर पंचू में हेरिया, अरे क्या खे सब महालू अंदरिया। आपस में बात करती है के बच्ची रात रात भवा सब कैसे, करती पर पंचू में हेरिया। तो उसी में एक औरत ने कहा, दादा दादाजी उसी में एक औरत ने कहा क्या, अबे अरे अबे ना दिन बीते बिचारी, आया कल ही के बात हमारी, अबे ना दिन बीते बिचारी, आया कल ही के बात हमारी, घर पर आए हाथ पसारी कह ली। तो दूसरी ने पूछा दाल, तो बोला चावल, तो बोले अच्छा आए, अरे अब ना दिन बीते विचार, आया कल ही के बात हमार, घर पर आए हाथ पसार कह सी। और यही नहीं रहे ना थोड़ी लुटिया थारी, फटे कपड़न मा दे उधारी, लाई के जाने चौर हमारी कारी। पता नहीं हमारे घर से चावल लाके कौन सा जादू टोना कर दिया कि महल खड़ा हो गया। तब उसी जगह एक औरत और बैठी थी, उसने कहा बच्ची तुमको पता नहीं है, अरे वो चावल लेके इसका पति अपने मित्र के यहाँ गया था और सुना है इसका मित्र राजा है द्वारिका का, शायद उसी ने कुछ किया हो। तब उस औरत ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो होए सबके ऐसे व्यवहार,
अरे होए सबके ऐसे व्यवहार है जैसे मोहन मदन मुरार, होए सबके ऐसे व्यवहार है जैसे मोहन मदन मुरार, छाड़ के आज छप्पर भारी कहे दी छोटे भाई अखिलेश दादा है, दादा दादा है। हमने एक गीत दिया था केवट प्रभु राम से कह रहा है कि सतयुग से चलती वो बुझी आगमन गंगा पार करैया, हम गंगा पार करैया तुम भवसागर उतरैया, हम गंगा पार करैया तुम भवसागर उतरैया, मैं उतराई डालू तुमसे बोलो श्री हरि, मल्ला 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 हम भी मल्ला तुम भी मल्ला। दादा कहां से ढूंढ के लाया हुआ सल्ला सल्ला हमारी सल्ला और तुम्हारी सल्ला, हमारी सल्ला मानो दादा को बांध दो ये सुनिए आप लोग सल्ला नहीं नहीं सलाह सलाह नहीं नहीं गांव में कहा जाता है कभी कभी हम मां सल्ला ले लो वही दादा आप पकड़ के सही है सल्ला सही है यही से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता असलाह हो ही सकता है नहीं नहीं ठीक है बढ़िया जवाब है दादा का ये तो हंसी के लिए मैंने बोल दिया बाकी दादा का तो जानते हैं हम क्या बोले हम तो बहुत छोटे हैं दादा दादा है दादा दादा है दादा का कोई जोड़ नहीं है बहुत बढ़िया तर्ज हरिओम भैया गाई आपने यकीन मानिए ये गाना आपसे बढ़िया कोई गा भी नहीं सकता क्योंकि जो आप ये आपकी सेटिंग है मैंने कभी इसको गाया नहीं है लेकिन प्रयास छोटे भाई या भाई का देख लीजिए और आप पहले हमारे 100 रुपए दे दीजिए हरिओम भैया जहां भी हो पहले 100 रुपए हमको दे दीजिए लाओ भैया लाओ हमने कालू खेड़ा में एक गीत गाया था तो हरिओम भैया ने फेसबुक पे उसको देखा बहुत पसंद आया उनको तो बोले थे अखिलेश जहां भी मिलोगे पहले तुमको 100 रुपए देंगे दे देना चाहिए उनको तो अपने बड़े भाई हमारा हक हम ले लेंगे देखो आ रहे निकाली 200 अरे भैया 100 ब्याज वाले बेटा क्या बात है बेटा वाह 100 ब्याज सही मिले बेटा देखो हमारा ये हक है और ये कोई छीन नहीं सकता आप बड़े भाई हैं तो हैं आपकी तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद है बड़े भाई हरिओम अमर जी की तरफ से आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और ये बड़े भैया हमारे हरिओम जी ये मामा जी भी हैं कृष्णा के तो 200 इसीलिए मिले हैं दो तरफ से मिले हैं हमको तो भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं एक गीत आपने बहुत बढ़िया गाया भैया यकीन मानिए ये धुन मुझे बहुत पसंद है लेकिन कभी गाया नहीं प्रयास करता हूं फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं
कि क्या खूब आंखें हैं तेरी। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और दुआ पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और दुआ पर आज दिल की बात आ गई। आपका गीत कह रहा है करती पर पंच में हरिया देखे सब महानुनरिया। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग है हरिओम भैया आपके गाने में। करती परपंच महरिया और आपने लिखा कि बच्ची रातियों रात भवा सब कैसे, ये पूछ रही हैं सखिया सुदामा जी की पत्नी से कि आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ कि रातियों रात आपका घर बन गया, महल तैयार हो गया और आपने अवधि भाषा का बढ़िया प्रयोग किया है। जवाब देखिएगा भैया, आपका गीत आपका कटपीस दोनों बढ़िया है, प्रयास कर रहा हूं। जब सुदामा जी वहां से लौट के आए तो गीत की पंक्तियां कह रही हैं, खाए नुई चौर तुई मोठी जब वहां से लौट के आए तो चावल निकाले वहां से जब लौट के आए तो वृत्तांत पूरा बता रहे हैं कि किस प्रकार से चावल खाए गए तो गीत की पंक्तियां कह रही हैं खाए ले तुई चौर तुई मोठी खाए ले उई चौर तुई मोठी तो हो गए हैं बाते कुछ अनूठी। और क्या बात अनूठी हुई है सुनिएगा, खाएन जौन है चौर खाएन जौन है चौर कटे हुई चौर है चौर चौर खाएन है हुई चौर कटे हुई चौर है चौर चौर बहुत कुछ चौर तौतीनी है वहां। ओ खाएन जौन है चौर कटे हुई चौर है चौर चौर बहुत कुछ चौर कई ही नहीं है वहां। कहना पड़ा तो एक लोग का छाड़ी जो पकड़े ने मोटी रुक मड़ी तो चौर दुई लोग कई ही नहीं है वहां। एक लोक का छाड़ी जो पकड़े न मुठी रुक मड़ी तो चौर दुई लो चौर दुई लोग
पढ़ने का मन हो गया है। सुनिएगा आप लोग कि नजर से नजर 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 से मिले तो सर झुका लेंगे। ये बेवफा है मेरा इम्तिहान क्या लेंगे। इन्हें चराग जलाने को मत कहा करिए। ना समझ है कहीं उंगलियां चला लेंगे। एक गीत आया आपका।